जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में इसमें पैसा लगाए हैं, उनकी चिंता काफ़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है, इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि वो इसको बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अभी चल रहा है लोअर सर्किट में। और आप सभी जानते हैं कि जब किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगा होता है तो उसको सेल करने में दिक्कत आती है। और साथ में जब भी खासकर जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें आप देखिएगा, जैसे एवांस टेक्नोलॉजी हो गया, एम पावर इंडिया लिमिटेड हो गया, इसमें क्या होगा, इस एम पावर में भी गिरावट आ रही है। तो जब किसी स्टॉक में गिरावट आने लगती है, लोअर सर्किट लग जाता है, तो उसमें ये स्टॉक ईएसएम की कैटेगरी में भी सेबी के द्वारा डाल दिया जाता है। तो एवांस टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो ईएसएम की कैटेगरी में आ गया है। अब और ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा इसको आपको बेचते समय। यदि ईएसएम की कैटेगरी में नहीं होता ना, तो आपको लोअर सर्किट भी इतना डेली डेली लोअर सर्किट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, और भी स्टॉक्स में प्राइस नीचे आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में लोअर सर्किट लग जाए। इस स्टॉक में यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट लग गया है पिछले 2-3 दिनों से, और लगता रही है स्टॉक लोअर सर्किट में ही चलते हुए दिख रहा है। देखिए 12 मार्च से इसमें लोअर सर्किट लगा है, और ये आज 15 मार्च की डेट में भी लोअर सर्किट ही लगा है। अब दिक्कत है, यदि मंडे के दिन भी यदि स्टॉक लोअर सर्किट में ही ओपन होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कम हो गया है कुछ पैसे से। देखेंगे, देखिए 1.71 रुपये तक चला गया था प्राइस बढ़कर, और 1.59 रुपये पे प्राइस आ गया है। तो इस चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि अपर सर्किट कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अपर सर्किट सिर्फ 1.65 के करीब, यानी कि जैसे ही शेयर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ेगा और 1.65 रुपये के करीब आते हुए भी दिखेगा, तो तुरंत इसमें अपर सर्किट लग जाएगा। और जो प्राइस लगता है आपको नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, ये प्राइस अब ऊपर जाने लगेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इस स्टॉक में आपको वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिलेगा, वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो रहा है, तो जिस वजह से प्राइस को ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। और अब यदि प्राइस नीचे ही आते रहेगा, तो फिर आप देख सकते हैं जो लोअर सर्किट है, लोअर सर्किट का दायरा भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग, आपको मैं दिखाऊँ, इसमें जो इसका वॉल्यूम है, एक एक दिनों में जो वॉल्यूम हो रहा है, वो आप भी देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि पहले जहाँ इसमें वॉल्यूम एक एक दिनों में 78-78 लाख, तकरीबन 50-50, 26-26 लाख का होता था, वो अब सिर्फ सिमट कर 10 लाख और 11 लाख के आसपास रह गया है। 11 लाख की ही शेयर्स की ट्रेडिंग एक दिनों में इसमें हुई है। ये इसका वॉल्यूम की रिपोर्ट से पता चलता है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो दिक्कत वाली बात यही है कि जब स्टॉक में वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो उसमें फिर क्या होगा कि शेयर के प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ होगा। और प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो फिर ये स्टॉक अपर सर्किट में नहीं लगेगा, और अपर सर्किट में नहीं लगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन समस्या यहाँ पे कि स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है, लोअर सर्किट से बस हट जाए, ताकि जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में खासकर एकदम टॉप पे बाई किए हुए हैं, एकदम ऊपर लेवल बाई किए हुए, वो अपने पोजिशन को बेच के, पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करके इसमें से बाहर निकल सके। बाकी यदि कोई व्यक्ति एकदम निचले लेवल पर बाई करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो प्राइस अभी यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, ये व्यक्ति यहाँ तक सेफ है। दिक्कत यह है कि जो लोग यहां पे बाई करके बैठे हैं, अगर टॉप पे बाई करके बैठे हैं, तो चलिए चार्ट पर समझते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी लोग आ गए स्क्रीनर के वेबसाइट पर, और यहाँ पे मैंने एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक दिन में तकरीबन आज भी 2% के आसपास गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। देखिए, हम सभी जानते हैं जो कंपनी काम करती है, जो कंपनी का फंडामेंटल है, ये सारी चीज़ों को मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, और यदि आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा लगाए हैं, मतलब हाल फिलहाल दिनों पैसा लगाए हैं, और आप इसमें अपने आप को फंसे हुए महसूस करें, तो सबसे पहले इस फंसे हुए को चिंता को दूर कीजिए। क्योंकि यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, तब आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, जिनका विजन सिर्फ शॉर्ट टर्म का था, बहुत कम समय के लिए पैसा लगाए थे, उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। क्योंकि देखिए, चूंकि लोअर सर्किट में स्टॉक लगा है ना, तो ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं कि लोअर सर्किट को इस स्टॉक को लोअर सर्किट से बाहर निकाल सके। आपको करना क्या है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, अब इसको तो हम रोक नहीं सकते, जहाँ तक नीचे आ रहा है आने दीजिए, आने दीजिए। ये मेरा ख्याल है कि 1.20 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये तक आ सकता है। हालांकि 1 रुपये तक भी आने के चांसेस कम है, 1.20 रुपये तक इसका प्राइस आ सकता है, लेकिन इतने नीचे भी आने के चांसेस थोड़े से कम है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक ये प्राइस नीचे आएगा, वहाँ आने के बाद फिर से एक बार ऊपर की तरफ जाने की स्टॉक की प्राइस कोशिश करेगा। क्योंकि होता क्या है, रिट्रेसमेंट होता है जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। मान लीजिए ये आ गया 1.20 रुपये तक आया, यहाँ पे आकर प्राइस थोड़ा सा अब समय बिताएगा, और समय बिता के फिर प्राइस थोड़ा सा एक बाउंस बैक, एक छोटा सा ही बाउंस बैक ले, लेकिन एक बाउंस बैक जरूर लेता है, और जहाँ से प्राइस गिर रहा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो जो लोग भी यहाँ पे मान लीजिए एकदम टॉप पे बाई करके बैठे हैं, वो क्या करेंगे, जब प्राइस बाउंस बैक करेगा तो वहाँ पे आप बेच के निकल जाएगा, उस समय लोअर सर्किट नहीं रहेगा। तो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होते। बस आप वेट कीजिए प्राइस को नीचे आने का, जहाँ तक आ रहे हैं आने दीजिए। आप ध्यान रखिए, बस 1.20 रुपये का लेवल या 1 रुपये का लेवल, प्राइस यहाँ तक आने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके प्राइस जरूर ऊपर उठेगा, और जहाँ जैसे प्राइस ऊपर उठने लगे, फिर जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे इसको बेच के निकल सकते हैं। हालांकि चिंता वाली कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ,
मार्च मंथ में अक्सर देखा गया है, जब भी मार्च मंथ आता है तो उसमें स्टॉक्स के प्राइस नीचे आते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी में बात नहीं बता रहा हूँ, लगभग जितने भी स्टॉक्स देखेंगे सब में, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल देखेंगे तो उसमें करेक्शन देखेंगे, मतलब प्राइस थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का ही नीचे की तरफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्राइस नीचे आएंगे। और वैसे भी ये प्राइस काफी बढ़ गया था, तो जिस तरह के जब प्राइस तेजी के साथ बढ़ रहे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। और क्योंकि उम्मीद करता हूँ यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में जानकारी मैंने आपको दी, आप इससे सहमत होंगे, समझ में आ रही होगी। कोई भी मन में सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो